वेलकम टू एमडी काइनेटिक्स। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राज्य था जहां एक अलग सा ही कानून था। वहां के लोग किसी को भी वहां का राजा बना देते थे, लेकिन वो राजा सिर्फ 5 सालों के लिए रहता था। फिर उसी राजा ने वो वहां से उस गद्दी से हटा के उसको जंगल में छोड़ा देते थे। उस जंगल में बहुत सारे भयानक जीव जंतु उसको खा जाते थे और उसकी लीला समाप्त हो जाती थी। ऐसे खूब राजा बनते गए। एक समय की बात थी जब एक किसी युवक को वहां चुना गया उस राजा को बनाने के लिए। वहां क्या था, हम आपको इस राज्य का राजा बनाना चाहते हैं। वो युवक थोड़ा समझदार था, तो उसने पहले 2 सालों तक तो उस जंगल को ढूंढा जहां पे ये सारे वहां के जो नागरिक थे वो उसको ले जाते छोड़ने वाले थे। तो पहले उसने उस जंगल को ढूंढा और उस जंगल से पहले जितने भी भयानक जीव जंतु जो थे उनको उसने किसी और जंगल से कराने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया, अपने राज्य के लोगों को नहीं। फिर वहां पे उन्होंने उस काफी जमीन को उसने क्लियर कराया, पेड़ पौधे कटवा के वहां पे अच्छा सुंदर सा महल और बहुत सारे मकान बनवाए गरीबों के लिए। और फिर बाद में उसने बाहर के जितने भी जो गरीब लोग थे उनको सबको अपने ही उस नए बनाए हुए राज्य के अंदर उसने शिफ्ट करा दिया। और धीरे धीरे करते हुए जब उसके 5 साल पूरे हुए तो लोगों ने उसको वापिस से बोला कि आप चलिए हम उसको जंगल में छोड़ाते हैं। वो भी खुशी खुशी जंगल में चला गया। लेकिन जैसे ही वो जंगल में गया उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया लोगों ने और फिर से उसने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी और आगे उसने आराम से अपनी जिंदगी जी और बड़े राजा बन गए जी। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से आपका क्या रिलेशन? बेटा आप लोग जो 16 साल से लेके 30 साल तक जो जिंदगी अपनी जी रहे हैं, अभी जो अपनी लाइफ को भी चला रहे हैं आप, तो आपके माता पिता आपके शिक्षकगण सभी आपको राजाओं की तरह रखते हैं, बड़े प्यार से बड़े दुलार से सब आपको कहते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो जो चाहिए तुमको सब मिलता है। लेकिन एक समय के बाद में जब आप इस पढ़ाई को छोड़कर जैसे ही आप अपना रिजल्ट देने की स्टार्ट होते हैं उस केस में जब आप फेल हो जाते हैं तो वही यही सारे लोग आपको उसी जंगल में छोड़ाते हैं, जैसे कि एक समाज में छोड़ देते हैं जहां पर आपको फिर अपनी जिंदगी को संघर्ष के साथ में जीनी पड़ती है। यानी कि जो समय आपको मिला हुआ है अगर इस समय को आप पूरा 100% यूटिलाइज करते हैं अपनी पढ़ाई में, अपने आप को कुछ अच्छा इंसान बनाने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए, तो वो आगे जाकर भी आपको राजा के ही फॉर्म में रखेगी। अदरवाइज इस समय को अगर आपने मौज मस्ती में गुजार दिया, ऐसे गुजार दिया, तो हो सकता है कि आगे वाला समय आपको काफी दिक्कतों के साथ में और संघर्षों के साथ में जीना पड़े। तो इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, हमेशा जिस प्रेजेंट में आप जी रहे हैं उसका 100% पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइजेशन करें तो आगे भी वो समय आपके लिए अच्छा ही आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।